अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, जैसे कि आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट और नरम और खाने में भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो ऑरेंज लेंगे, इस तरह के मैंने दो ऑरेंज लिए, उसे हम बीच में से कट कर लेंगे और इस तरह उसे नींबू की तरह हम निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास जूसर हो तो उसमें भी आप आसानी से इसका जूस निकाल सकते हो। मैंने एक कप के करीब ऑरेंज जूस निकाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से दूसरे बाउल में छलनी में डालकर अच्छे से छान लेंगे। इसके जो बीज है वो अच्छे से निकाल लेंगे। अब एक बड़े बाउल में हम उसमें उसे डाल देंगे और उसमें ड्राई फ्रूट डालें, किशमिश ली है और वो दूसरी नॉर्मल किशमिश 2 चम्मच, बादाम 2 चम्मच, मगज के बीज 2 चम्मच, काजू 2 चम्मच और टूटी फूटी 2 चम्मच और चेरी, वो चेरी होती ना गोल गोल, वो 2 चम्मच। अब ये सब ड्राई फ्रूट को हम ऑरेंज जूस में डाल देंगे और उसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हम ढक के भीगने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो इसे आप ओवरनाइट भी इसे भिगो कर रख सकते हो, इसे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब एक पैन में हम 1/2 कप चीनी लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे मेल्ट करना है और इसका अच्छा सा सिरप तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी शक्कर भी अच्छे से पिघल चुकी है, अभी उसे बबल्स आना चालू हो गए। अब उसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे बहुत ही आराम से, इस तरह हम उसमें डालते जाएंगे। हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे और उसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब एक कुकर में हम इस तरह की रिंग रख देंगे, उसे ढक देंगे और उसे 10 मिनट तक हम फ्री हीट कर लेंगे। अब एक ही केक टिन लेंगे और उसे मैंने बटर पेपर अच्छी तरह से लगा लिया है। अब एक बड़े से बाउल में 1/2 कप ऑयल लेंगे और 1/2 कप दूध डाल देंगे और 1/2 कप पीसी हुई चीनी डाल देंगे और उसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह झाग आने तक हम उसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह गाढ़ा गाढ़ा थिक सा बैटर तैयार हो गया ना, और उसमें हम चलनी रख देंगे और उसके ऊपर हम मैदा ऐड करेंगे। हम 1.5 कप मैदा लेंगे, उसे डाल देंगे और उसमें 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इसे हम अच्छे से छान लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से सब तरफ से हम उसे मिक्स कर लेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हमारे भिगोए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने इसे 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था, 2 घंटे हो गए थे हमें भिगोने के लिए। अब उसमें हम मेल्टेड चीनी ऐड करेंगे, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच वेनिला एसेंस, अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फोल्ड और कट करेंगे, फोल्ड और कट करेंगे। इस बैटर को इसी तरह का, इसी मेथड से हम
दोनों से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी हम उसे केक टिन में ऐड कर देंगे। उसे थोड़ा सा टैप करेंगे और उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। ये काली किशमिश है, ये बिना बीज वाली काली किशमिश है, वो डाल देंगे। थोड़े से बादाम भी ऐड कर देंगे, थोड़े से काजू से भी हम अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे। बीच में हम थोड़ी सी चेरी भी रख देंगे और थोड़ी सी टूटी फूटी भी इस पे डाल देंगे। अब इसे हम कुकर में रख देंगे। कुकर की हमें फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। अब इसे हम कम से कम एक घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, सभी ड्राई फ्रूट अंदर चले गए, इसलिए हम वापस से उसे गार्निशिंग कर देंगे। काली किशमिश, टूटी फूटी, काजू, बादाम, जो भी हमने पहले गार्निशिंग कर रहे थे, इसी तरह का अभी भी हम वापस से गार्निशिंग करेंगे। इस तरह हम उसे अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे। अब इसे हम ढक देंगे आधे घंटे के लिए। फ्लेम हमें मीडियम टू लो पे रखना है। आधा घंटा हो चुका है, अब हम चेक करेंगे हमारा केक अच्छे से तैयार हुआ क्या। इस तरह के एक स्टिक लेकर हम उसे उसके अंदर डालकर देखेंगे, हमारा केक परफेक्ट तैयार हो गया है। अब उसे इस तरह हम प्लेट रख के उसे पलट देंगे, उसे आराम से निकालेंगे। अब ऊपर का हम जो बटर पेपर लगा हुआ है ना, वो आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह हमारा केक तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट नरम। चलिए अब इसे हम कट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट नरम और जालीदार हमारा केक तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।